Scientifically speaking, XY chromosomes makes a person male, whereas XX chromosomes makes a person female. But it is just biological, you know. However, another way through which we get to know our sexuality is at birth, when doctor tells you about your sex after watching your reproductive organs. मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इससे आपका जेंडर भी डिफाइन होता है। Because gender is more of an experience from inside about your romantic feelings and attraction rather than what you really are physically. And on the basis of that feeling, you can also change your sexuality to suit your inner feelings of gender. By the way, when I understood that there is a difference between sex and gender, I was blown away by the fact that how many gender identities are present in this world. So I thought it would be nice if I tell it to everyone. So in this video, I'm gonna explain almost all the genders and sexualities. So let's begin. अगर कोई टिपिकल मेल या फीमेल है, commonly known as gender binary, जो कि अपने opposite gender से attracted है, heterosexual. Gender binary मतलब male या female, but attracted to the same gender of your own, then you are a homosexual. And in this, if male is attracted to male, then it is gay. And if female is attracted to female, it is lesbian. किसी भी दो या दो से ज्यादा जेंडर से अट्रैक्टेड होना, किसी से कम किसी से ज्यादा, डजंट मैटर, यू आर ए बायसेक्सुअल. व्हेन यू आर अट्रैक्टेड टू ऑल जेंडर्स, या किसी से अट्रैक्ट होते वक्त उसका जेंडर कंसीडर ही नहीं करते, दीज पीपल आर पैनसेक्सुअल. वो लोग जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो मल्टीपल जेंडर से अट्रैक्टेड हैं या नहीं, मगर ये पता करने के लिए दे आर एक्सपेरिमेंटिंग बाय फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स विद डिफरेंट जेंडर्स, दे आर बाय क्यूरियस. व्हेन यू आर अट्रैक्टेड टू मेनी जेंडर्स, पॉलीसेक्सुअल. अट्रैक्टेड टू ओनली वन जेंडर, मोनोसेक्सुअल. जब कोई किसी भी एक जेंडर से अट्रैक्टेड है, एलोसेक्सुअल. व्हेन समवन इज अट्रैक्टेड टू अ पर्सन जो अपने आप को मैस्कुलिन दिखाता है बट एक्चुअल में है नहीं, एंड्रोसेक्सुअल. इसका ऑपोजिट गायनोसेक्सुअल. वो लोग जो अभी तक ये पता ही नहीं कर पाए कि उनका सेक्स या जेंडर है क्या, क्वेश्चनिंग. इनको किसी भी जेंडर के लिए अट्रैक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल. इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन तभी होता है जब ये किसी से स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, डेमीसेक्सुअल. जब कोई कभी कभार अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है और वो भी बहुत कम, ग्रे एसेक्सुअल. जब किसी का रोमांटिक अट्रैक्शन और सेक्सुअल अट्रैक्शन दोनों एक ही जेंडर से हो, पेरी ओरिएंटेड. रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन अलग अलग जेंडर से है, वेरी ओरिएंटेड. दुनिया में सिर्फ दो ही जेंडर है, मेल और फीमेल, एंड सेक्स एंड जेंडर आर द सेम थिंग, ऐसा बिलीव रखने वाला इंसान हेटरोनॉर्मेटिव. इफ समवन इज इग्नोरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल जेंडर्स बिटवीन जेंडर स्पेक्ट्रम, एरा श्योर. इफ समवन इज बोथ सिसजेंडर एंड हेटरोसेक्सुअल, सिस हेट. वो लोग जो अपनी मर्जी से एक टाइम पे बहुत से लोगों से रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी रहते हैं, पॉलियामोरस. क्वीर, एनीबॉडी इन द एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी जो अपने आप को सिस जेंडर नहीं मानते. जब आप बर्थ पे असाइन जेंडर के अलावा किसी और जेंडर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, ट्रांसजेंडर. जब कोई जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करा चुका है टू चेंज द सेक्सुअल ऑर्गन्स जिसके साथ वो पैदा हुआ था टू मैच इट विद द जेंडर विद व्हिच दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, ट्रांससेक्सुअल. Gender assigned male at birth but identifies as a female, male to female. Gender assigned female at birth but identifies as a male, female to male. कोई भी जो gender spectrum की किसी एक end पे है, means male या female, known as binary. Non-binary एक umbrella term है उनके लिए जो gender spectrum के बीच में कहीं भी fall करते हैं. जो अपना gender हर दिन, हर महीने या हर साल change करता है, gender fluid. जो अपने आप को किसी भी gender से identify नहीं करना चाहते, agender. जो अपने अंदर कोई भी दो जेंडर फील करता है, बाई जेंडर. व्हेन समवन आइडेंटिफाइज विद मल्टीपल जेंडर्स, पॉलीजेंडर. जब कोई खुद को जेंडरलेस आइडेंटिफाई करता है, न्यूट्रोइस. ना तो इनका खुद के जेंडर के बारे में कोई ओपिनियन है और ना किसी और के जेंडर से कोई लेना देना है, जेंडर एपथेटिक. कभी ये खुद को ना मेल मानते हैं ना फीमेल, और कभी दोनों साथ में मान लेते हैं, एंड्रोजाइन. व्हेन समवन हैव देयर जेंडर समवेयर इन बिटवीन मेल एंड फीमेल, इंटरजेंडर. कभी इनका दिमाग कहता है इनका जेंडर है, कभी कहता है नहीं है, डेमीजेंडर. समवन जिसको स्ट्रॉन्गली नहीं पता कि उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, ग्रे जेंडर. ऐसे जेंडर जो ट्रेडिशनल जेंडर की धारणाओं से अलग हैं, मैवरिक. एक जेंडर जो इतना कॉम्प्लेक्स है जिसे लैंग्वेज में डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है, नोवी जेंडर. व्हेन सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यू टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बिकॉज़ यू आर आइदर अ मेल और अ फीमेल, इट इज कॉल्ड जेंडर रोल्स. व्हेन यू चूज टू प्रेजेंट योरसेल्फ विद द जेंडर यू वांट, दिस इज नोन एज जेंडर एक्सप्रेशन. समवन हु स्ट्रॉन्गली नोज अबाउट देयर जेंडर आइडेंटिफिकेशन एज नॉन बाइनरी, अपोरा जेंडर. सेक्स चेंज करने का मेडिकल प्रोसेस फॉलो करना, नोन एज ट्रांजिशन. एट बर्थ जब किसी के क्रोमोसोम्स या जेनिटल्स मैच नहीं करते ना तो मेल से ना फीमेल से, इंटरसेक्स. Male at birth but identifies as women, trans women. Female at birth but identifies as men, trans men. जो खुद को feminine show करता है but doesn't identify either as a man or a woman but at birth they were male, they are called trans feminine. और इसका opposite trans masculine.
जब आपको कोई आपके जेंडर के अलावा किसी और जेंडर से एड्रेस करता है या सोशली जिसको डिस्कम्फर्ट फील होता है डिफरेंट जेंडर की तरह बिहेव करने में, सोशल डिस्फोरिया। जब किसी का जेंडर एक्सप्रेशन ज्यादा मैस्कुलाइन होता है, स्पेशली वुमेन या लेस्बियन का, दे आर कॉल्ड बुच। इसका ऑपोजिट फेमी। And that was all in this video. I hope it helped you to know a little more about the genders and sexualities. Subscribe the channel for more upcoming interesting content. Till then, keep breathing and I will see you in the next one. Bye-bye.